Hello students, welcome back. We are discussing the differential equations which are reducible to linear form. And इसमें हमने Bernoulli's equation पढ़ी थी in the last video. क्या होती है Bernoulli's equation? Look, if the differential equation is of the form dy by dx plus py is equal to q y raised to the power n, where p and q can be constant or they can be some function of x. तो इस differential equation को हम बोलते हैं Bernoulli's equation. और इसको हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं. यह सब हमने पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो. फाइन, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच कैन बी रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म. फाइन, तो सेकंड फॉर्म इज dy by dx plus py is equal to q fy, where py और fy क्या है? फंक्शन ऑफ y. और p और q क्या है? p और q कैन बी कांस्टेंट और दे कैन बी सम फंक्शन ऑफ x. फाइन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं. पहली फॉर्म तो आपकी ये हो गई बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है. और दूसरी फॉर्म ये होती है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में. फाइन, देखिए इसको हम कैसे करते हैं रिड्यूस लीनियर फॉर्म में. इसको रिड्यूस करने का भी सेम वही मेथड है जो इसमें हम अप्लाई करते थे. इसमें हम क्या करते थे? इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने का क्या करते थे? इसमें हम सबसे पहले ये जो आ रहा है वाई की पावर एन, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देते थे. क्योंकि अगर ये y की पावर n यहां पर ना होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर ये y की पावर n ना होता तो, ठीक है, क्योंकि ये y की पावर n आ गया था तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते थे कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देते थे. उसके बाद p के साथ जो भी आपको टर्म मिल रहा होता था उसको हम एक नया वेरिएबल एड कर देते थे v, ठीक है. उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी, ठीक है. यहां पर भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है. यहां पर क्या करोगे? यहां पर करना है आपको एफ वाई. तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एफ वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. और यहां पर पी के साथ जो आपको फंक्शन मिलेगा वाई का, ये मिलेगा फाई वाई अपॉन एफ वाई. तो जो भी फंक्शन मिल रहा होगा आपको वाई का, उसको हम एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे बी. फाइन, वो भी एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे. उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. फाइन, तो इस तरह से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में. फाइन, तो इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं. सो हियर द क्वेश्चन इज सॉल्व dy by dx plus x sin 2y is equal to x cube cos square 5. देखो यही फॉर्म है. क्या होगा? dy by dx plus p 5y. p क्या होता है? या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा. तो यहां पर p क्या है? p इज x है. फाइन, 5y क्या है? फंक्शन ऑफ y होना चाहिए. तो 5y क्या गिवन है? sin 2y, ठीक है. और यहां पर क्या गिवन है? x क्यूब cos स्क्वायर y. तो x क्यूब क्या है? q. और cos स्क्वायर y क्या है? fy, ठीक है. तो ये वाली फॉर्म है. इसका मतलब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए cos स्क्वायर y से इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. देखो क्या मिलेगा? पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को cos स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे. प्लस एक्स साइन टू वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. फाइन, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को हम सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं. डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स और साइन टू वाई को हम लिख सकते हैं टू साइन वाई कॉस वाई. फाइन, और कॉस स्क्वायर वाई. तो यहां से कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा. ये आपको मिल जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई को हम लिख सकते हैं टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है. अब क्या करेंगे? अभी भी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब क्या करेंगे इसको लीनियर बनाने के लिए? ये जो टेन वाई मिल रहा है उसको एक नया वेरिएबल ऐड कर देंगे. पुट टेन वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है. नया वेरिएबल वी मान लिया इसको, टेन वाई को, ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स. और ये वैल्यूज उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. फाइन, देखो यहां पर क्या मिल रहा है? सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स. तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x 10y, 10y की जगह हमने 10y क्या लिख दिया? अभी तो ये हो जाएगा 2x v इज इक्वल टू x क्यूब. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन
बन गई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद v एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद v एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन, और यहां पर p क्या है? p हियर p इज p क्या है यहां पर 2x और q क्या है x cube. ठीक है, तो ये बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद v एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और p क्या है? p हियर इज 2x एंड q इज x cube. अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है dy by dx plus py is equal to q means लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद y as डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x as इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? e raised to the power integration p dx. ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में है ना. डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है p, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x ही है ना. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? सेम वही e raised to the power integration p dx. ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p इज 2x है, तो 2x dx मींस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आपको मिल जाएगा e की पावर 2 और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x मींस x स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा e की पावर x स्क्वायर. ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक, अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं. सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q dot integrating factor. Integration is ka with respect to x plus c. ठीक है, यही हो जाता है इस differential equation plus solution. तो यहाँ पर differential equation क्या है? dv plus dv by dx plus 2xv is equal to x cube. Means ये linear differential equation है with v as dependent variable. ठीक है, तो यहाँ पर solution क्या हो जाएगा? v dot integrating factor is equal to integration of q dot integrating factor. इसका q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट. फाइन, मतलब y की जगह सिर्फ v आ जाएगा. ठीक है, और बाकी सेम ही है. हेंस द सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ठीक है, v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रे टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू q, q क्या होता है? x क्यूब. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c. फाइन, देखो x क्यूब को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर डॉट x लिख सकते हैं, x क्यूब को x स्क्वायर डॉट x, और ये एज इट इज e की पावर x स्क्वायर dx प्लस c. अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? x स्क्वायर को हम एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t. x square को हमने नया वेरिएबल लेट के दिए t, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x dx is equal to dt. इसका मतलब x dx is equal to 1 by 2 dt. ये वैल्यू स्टार्ट करें आप पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा x square की जगह पर t आ जाएगा, और x dx, x dx is equal to 1 by 2 dt. ठीक है, तो 1 by 2 और ये हो जाएगा dt e की पावर x square means e की पावर क्या हो जाएगी? t. फाइन, x square को हमने क्या माना? t. x square हो गया t, e की पावर x square मतलब e की पावर t, और x dx is equal to 1 by 2 dt. तो 1 by 2 dt. फाइन, plus c. इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है t दूसरा है e की पावर t, तो इसको बाय पार्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे. कंसीडर t as फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर t as सेकंड फंक्शन. फाइन, तो देखो क्या मिलेगा? 1 by 2 को क्वाड्रेटिक के लिए है, इसको इंटीग्रेट करिए. कैसे करते हैं? बाय पार्ट्स इंटीग्रेट. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस t एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मींस e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t. क्या हो जाएगा? e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. t को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या मिलेगा? 1. फाइन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? e की पावर t dt, और इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस is equal to 1 by 2 t e की पावर t माइनस 1 डॉट e की पावर t मींस e की पावर t
और e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t मींस e रेस्ट पावर t वही मिल जाएगा, ठीक है। प्लस c ये मिल रहा है आपको v e की पावर x स्क्वायर, फाइन। और v हमने क्या लिख किया था, v किसको लिख किया था, tan y को, तो tan y आप पुट कर दीजिए v की जगह, ये बन जाएगा आपको tan y e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 और t हमने क्या लिख किया था x स्क्वायर, तो ये पुट कर दो यहां पर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस c, यहां से हम e की पावर x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan y e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, फाइन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व dy / dx + 1 / x tan y = 1 / x square tan y sin y। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी फॉर्म में है ना, dy / dx + p phi y = q f y, इसी फॉर्म में गिवन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर p क्या है, p इज 1 / x और 1 / x के साथ आपको फंक्शन ऑफ y गिवन है, और q क्या है 1 / x स्क्वायर और 1 / x स्क्वायर के साथ आपको फंक्शन ऑफ y गिवन है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इसी फॉर्म में है, इसका मतलब हम इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। देखो कैसे करेंगे, देखो यहां पर 1 / x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, tan y sin y, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम tan y sin y से डिवाइड कर देंगे, फाइन। देखिए क्या मिल जाएगा जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को tan y sin y से डिवाइड करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 1 / tan y sin y dy upon dx plus 1 upon x tan y upon tan y sin y is equal to 1 upon x square, fine। देखो यहां से यहां आ रहा है 1 upon tan y sin y, ठीक है, तो 1 upon tan y को हम लिख सकते हैं cot y और 1 upon sin y को हम लिख सकते हैं cosec y, dy by dx plus 1 upon x, देखो tan y से tan y cancel, 1 upon sin y को हम लिख सकते हैं cosec y, तो ये आ जाएगा cosec y is equal to 1 upon x square। अब भी ये differential equation आपकी linear differential equation नहीं है, तो हम इसको linear बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखो 1 upon x के साथ means function of x के साथ आपको क्या मिल रहा है cosec y, तो cosec y को एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे, पुट cosec y इज इक्वल टू v, cosec y को हमने एक नया वेरिएबल लेट कर दिया v, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, cosec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है, तो cosec y का क्या हो जाएगा माइनस cosec y cot y, dy / dx इज इक्वल टू dv / dx, और ये वैल्यू स्टार्ट कर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। देखो यहां पर क्या बन रहा है cot y cosec y dy / dx, ठीक है, तो cot y cosec y dy / dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं -dv / dx, फाइन। तो यहां पे मिल जाएगा -dv / dx plus 1 upon x और cosec y को हमने लेट किया है v, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा v is equal to 1 upon x square, फाइन। और इट कैन बी रिटन एज dv / dx माइनस v upon x इज इक्वल टू माइनस 1 upon x, फाइन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद v एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फाइन, व्हिच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद v एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, p चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर p क्या है, हियर p इज, p क्या है यहाँ पर माइनस 1 upon x और q क्या है माइनस 1 upon x स्क्वायर, ठीक है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन p dx मींस e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन p क्या मिला हमें -1 / x, माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर लिख ले रहे हैं, 1 / x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x,
1 upon x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज log x, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log x, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर माइनस 1, लिख सकते हैं a log x को हम लिख सकते हैं log x की पावर a, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है माइनस log x, मीन्स log x की पावर माइनस 1, फाइन, और e की पावर log मीन्स 1, क्या मिल जाएगा x की पावर माइनस 1, मीन्स 1 अपॉन x, ठीक है, ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हेंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद v इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला 1 अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहे हैं, q है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस को बाहर लिख लिया 1 अपॉन x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन x, ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x क्यूब, x स्क्वायर x है तो क्या हो जाएगा क्यूब 1 अपॉन x क्यूब dx + c माइनस 1 अपॉन x क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c v और 1 अपॉन x, और v हमने क्या लिख किया था, यहाँ पर पुट कर दो, v क्या लिख किया था, cos y को तो लिख किया था v, cos y 1 upon x is equal to minus minus positive हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 upon 2x square plus c, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, cos y dot 1 upon x is equal to, देखो यहाँ पर अगर हम LCM लेने भी आपको क्या मिल जाएगा 1 plus 2cx square अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, और cos y को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin y, फाइन, इज इक्वल टू 1 प्लस 2cx स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, और इस 2x स्क्वायर को LHS में लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इस sin y को अगर LHS में लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये लिख रहे हैं 2x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, 2x स्क्वायर को हम कर लिया LHS में, न्यूमरेटर में आगे 2x स्क्वायर अपॉन x हो गया, और इस sin y को RHS को ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin y 1 plus 2cx स्क्वायर, फाइन, ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2x is equal to sin y 1 plus 2cx स्क्वायर, फाइन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन, तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन आप लोग करिएगा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.